नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं सदफ। आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मोदी कैबिनेट का सिख श्रद्धालुओं के हक में बड़ा फैसला। करतारपुर कॉरिडोर के निर्माण के लिए दी मंजूरी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अमित शाह पर लगाए बचकाने और भड़काऊ बयान देने का आरोप। कहा, चुनाव आने पर याद आता है राम मंदिर। राजस्थान में दल बदल का सिलसिला जारी। भाजपा को धौलपुर में बड़ा झटका। नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन नितेश शर्मा कांग्रेस में शामिल। और आईसीसी महिला वर्ल्ड T20 में भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल कल। भारतीय महिला टीम का लक्ष्य फाइनल में जगह बनाना। केंद्र की मोदी सरकार ने सिखों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब सिख श्रद्धालुओं के लिए करतारपुर कॉरिडोर खोला जाएगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कैबिनेट ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए करतारपुर कॉरिडोर के निर्माण और विकास को मंजूरी दे दी है। ये कॉरिडोर गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक बनाई जाएगी। करतारपुर परियोजना आधुनिक सुविधाओं और केंद्र सरकार के फंडिंग के साथ लागू की जाएगी। कैबिनेट की बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनाथ सिंह ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध है कि श्री गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती को उचित तरीके से मनाएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से सिडनी में मुलाकात की। दोनों देशों ने शिक्षा, शोध और आवश्यकता जैसे विषयों में सहयोग और निवेश बढ़ाने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। कोविंद पहले भारतीय राष्ट्रपति हैं जो ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए हैं। अपनी 2 देशों की यात्रा के दौरान वे पहले वियतनाम गए और वहां से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मेराइज पेन और भारत के कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री अनंत कुमार हेगड़े मौजूद रहे। दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री सिसोदिया की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर अंशु प्रकाश से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। दरअसल याचिका में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें अदालत ने अंशु प्रकाश मामले की जाँच ACP रैंक से नीचे के अधिकारी से ना करने के निर्देश दिए थे। साथ ही निचली अदालत के उस निर्देश को भी चुनौती दी है जिसमें कोर्ट ने अंशु प्रकाश की मांग पर दिल्ली सरकार द्वारा उन्हें उपलब्ध कराए गए वकील के बजाय दिल्ली पुलिस द्वारा नियुक्त किए गए 2 वकीलों को अभियोजक बनाने का निर्देश दिया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीष तिवारी ने जयपुर में संवाददाताओं से बातचीत में जम्मू कश्मीर में विधानसभा भंग किए जाने के मामले में राज्यपाल सत्यपाल मलिक की कड़ी आलोचना की है। इस मामले में प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय पर निशाना साधा। कांग्रेस ने इसे देश के संविधान के साथ खिलवाड़ बताया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह के असंवैधानिक, अनैतिक और अनुचित कार्य को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने अंजाम दिया है, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। तिवारी ने 3 नहीं 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी कहा। जम्मू कश्मीर में जिस तरह के असंवैधानिक, अनैतिक और अनुचित कार्य को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने अंजाम दिया है, हम उसकी बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। राज्यपाल महोदय ने भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ किया है और ये सीधा सीधा प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय के इशारों पर हुआ। हम जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से पूछना चाहते हैं, आज से 6 महीने पहले जब PDP ने और भाजपा की गठबंधन की सरकार थी और PDP ने अपना समर्थन वापस लिया, उस समय विधानसभा क्यों नहीं भंग की गई।
मनीष तिवारी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा कि शाह बचकाने और भड़काऊ बयान देते हैं। घुसपैठियों के सवाल पर तिवारी ने कहा कि पहले शाह ये बता दें कि मोदी सरकार ने 53 महीनों में अब तक कितने घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला है। राम मंदिर के मुद्दे पर मनीष तिवारी ने कहा कि जिस भाजपा सरकार ने जयपुर शहर में 100 मंदिर तोड़े वह राम मंदिर बनाने की बात करती है। भाजपा केवल चुनावों में वोट पाने के लिए राम का इस्तेमाल करती है। भाजपा के नेता राम मंदिर पर बयान तभी देते हैं जब कोई ना कोई चुनाव हो। जो वास्तविकता है इस देश की, वो इस देश के लोग, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम के लोग भारतीय जनता पार्टी को बताएंगे। जिस तरह से इन्होंने इस देश को पिछले 53 महीने में नष्ट करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है, उसका हिसाब भारत की जनता ज़रूर चुकाएगी। हम अमित शाह से एक बात पूछना चाहते हैं, भाजपा के अध्यक्ष से। पता नहीं शायद उन्होंने अपना खुद का चुनाव घोषणा पत्र कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के एक दिन पहले चुनाव घोषणा पत्र उन्होंने सार्वजनिक किया था। उसमें उन्होंने भारत की जनता से वायदा किया था, भारत के नौजवानों से वायदा किया था कि हम 5 वर्ष में 10 करोड़ नौकरियाँ देंगे। सरकार के अपने आंकड़ों से यह प्रमाणित होता है कि पिछले 53 महीनों में यह 8,23,000 नौकरी के अवसर भी पैदा नहीं कर पाए। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में दल बदल का सिलसिला जारी है। अब कांग्रेस ने धौलपुर में भाजपा के पूर्व नगर परिषद चेयरमैन को कांग्रेस में शामिल कर लिया है। ये धौलपुर में भाजपा के लिए झटका माना जा रहा है। धौलपुर में नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन रितेश शर्मा ने भाजपा छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट की मौजूदगी में रितेश ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस का मानना है कि रितेश के कांग्रेस में शामिल होने से धौलपुर में कांग्रेस न केवल मजबूत होगी बल्कि भाजपा के लिए भी मुश्किलें खड़ी होंगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट टोंक में चुनाव प्रचार करने के बाद आज जयपुर आए। इस दौरान उन्होंने अपने निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। पायलट ने कार्यकर्ताओं को चुनाव में जुटने की बात कही। वहीं दूसरी ओर अब नामांकन पत्र वापसी के बाद चुनाव की तस्वीर कुछ और साफ होने लगी है। भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया सेंटर में कहा कि जिस तरह से पार्टी का चुनाव अभियान आगे बढ़ रहा है और लोगों का जन समर्थन उमड़ रहा है, इससे भाजपा एक बार फिर बहुमत से सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। उन्होंने नोटबंदी, राफेल और राम मंदिर के सवाल पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि पहले इन सभी विषयों पर अपने विचार तो बताएं, फिर हमसे सवाल करें तो बेहतर होगा। जावड़ेकर ने कांग्रेस की ओर से बीजेपी सरकार पर चार्जशीट जारी करने के बारे में कहा कि जिनके नेता खुद चार्जशीटेड हैं, पहले उसके बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करें। कि प्रक्रिया समाप्त होते ही चुनाव का परिदृश्य अब साफ हो गया है और हम पूर्ण आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर से राजस्थान में सरकार बनाएगी। इस मुद्दे पर हमारे मन में कोई आशंका नहीं और जनता के मन में भी आशंका नहीं है। कांग्रेस नेतृत्व विहीन है ही, लेकिन अब मुद्दा विहीन भी है। रोज उनके नेता आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वही मुद्दे बार बार बताते हैं। शायद उनका यही विश्वास है कि झूठ बोलो लेकिन जोर से बोलो, और झूठ बोल बोल के बार बार बोलने से वह सच्चाई में तब्दील होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और उनकी तैयारी क्या चल रही है, आज मुझे बताया गया अभी कि वो चार्जशीट देने वाले हैं हमारे सरकार पर। पहले तो जो चार्जशीटेड है वो हमें क्या चार्जशीट देंगे।
भाजपा ने कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में राज बब्बर और अल्पेश ठाकुर को शामिल होने पर आश्चर्य प्रकट किया है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राज बब्बर ने तो नक्सलवादियों को क्रांतिकारी तक की संज्ञा दी है। ऐसे में कांग्रेस पहले ये तो बताए कि वह उनके इस विचार पर कितना इत्तफाक रखती है। उन्होंने अल्पेश ठाकुर को भी राजस्थान में स्टार प्रचारक बनाए जाने पर सवाल खड़े किए। उल्टा उनकी जो सूची है स्टार प्रचारकों की, उसमें उन्होंने अल्पेश ठाकुर और राज बब्बर का नाम दिया है। मुझे आश्चर्य होता है राजस्थान की जनता कैसे सहन करेगी कि गुजरात के बाहर के लोगों को हटाओ, ये हेट मुहिम जिन्होंने चलाई और बिहारियों को बाहर खदेड़ने का काम किया, उनको मारपीट की गई, उनको भगाने की पूरी योजना बनाई, ऐसे अल्पेश ठाकुर कांग्रेस के स्टार प्रचारक है तो ये कांग्रेस की नीति का पर्दाफाश करती है कि कांग्रेस की नीति क्या रहेगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन वापस लेने का दौर खत्म हो गया है। बड़ी संख्या में प्रदेश भर से प्रत्याशी नामांकन वापस लेने पहुंचे। टिकट वितरण से नाराज भाजपा विधायक ज्ञानदेव आहूजा भी जयपुर की सांगनेर विधानसभा सीट से अपना नामांकन वापस लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय से अपना नामांकन वापस लिया। ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि टिकट वितरण से नाराज होकर सांगनेर सीट से अपना नामांकन दाखिल किया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से चर्चा के बाद अपना नामांकन वापस लेने का फैसला लिया। अजमेर जनाना अस्पताल के लेबर रूम में पुलिस कर्मियों के घुसने और डॉक्टरों से अभद्रता करने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल से ओपीडी में पहुंचने वाले मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेजिडेंट डॉक्टर्स की अनुपस्थिति में ओपीडी में लंबी कतार देखने को मिली। मरीजों ने बताया कि घंटों से वो लाइन में लगे हैं लेकिन उनका नंबर नहीं आ पा रहा। आईसीसी महिला वर्ल्ड T20 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच शुक्रवार को खेला जाएगा। भारतीय अजय महिला क्रिकेट टीम का लक्ष्य फाइनल में जगह बनाकर इतिहास रचने का होगा। साथ ही पिछले साल वनडे विश्व कप फाइनल में इंग्लैंड के हाथों मिली हार का हिसाब भी बराबर करना चाहेगी। भारतीय टीम कभी भी इस टूर्नामेंट के फाइनल में नहीं पहुंची है। उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2009 और 2010 के सेमीफाइनल में पहुंचना रहा है। अब हरमन एंड कंपनी के पास इतिहास रचने का मौका है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।